हेलो स्टूडेंट्स, कोलोइडल सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी हमें देखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन और फ्लॉक्यूलेशन। इतने सारे सिनोनिम हैं इसके, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, फ्लॉक्यूलेशन भी बोलते हैं। और इसी के साथ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आ जाएगा, हार्डी शुलझे रूल, जो हमें बताएगा कि किस तरह से कौन सा आयन फ्लॉक्यूलेशन या कोगुलेशन में हेल्प करता है। कोगुलेशन हमने कहाँ पढ़ा है, जब भी ब्लड की बात होती है तो कोगुलेशन की बात होती है, कि जो ब्लड है उसकी कोगुलेट करने की टेंडेंसी होती है। कोगुलेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि जहाँ पे एक लिक्विड जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, वो कोगुलेशन का प्रोसेस कहलाता है, राइट। अब हमने जितनी बात अभी तक पढ़ रखी है, जहाँ हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन की बात करी थी, प्रॉपर्टीज़ की बात करी, तो हमने देखा था कि लायोफोबिक सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उनको प्रिपेयर करने के लिए हमने दो मेथड्स की बात करी थी। एक था डिस्पर्जन और दूसरा था एग्रीगेशन, यानी हम कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर एग्रीगेट कर दें और कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में ले आएँ, तो भी हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन रेडी हो जाता है। या फिर बड़े साइज़ के पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, और उसके बाद हम कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लें, राइट। और फिर उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, जिसे हमने बोला था पेप्टाइजेशन। तो वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो फिर क्या करते हैं, सेम चार्ज होने की वजह से जब उनके ऊपर जो आयन्स हैं वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे, तो सेम चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। और अगर एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे तो जो कोलोइडल पार्टिकल का साइज होता है, उस साइज में ही वो कोलोइडल पार्टिकल्स रहेंगे और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब जो कोगुलेशन है वो पेप्टाइजेशन का जस्ट ऑपोजिट है। पेप्टाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे थे, राइट। कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो जिस स्टेट में होना चाहिए, जिस पार्टिकल रेंज में होना चाहिए, उसी पार्टिकल रेंज में रहें। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था। अब अगर हम समहाउ इस चार्ज को रिमूव कर दें, तो चार्ज को रिमूव करने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, और वो क्या करेंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं फ्लॉक्यूलेट कर जाएंगे, और इसी को ही हम बोलते हैं कोगुलेशन का प्रोसेस। जब कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, चार्ज रिमूव हो जाता है, और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बिगर साइज में आ जाते हैं और उस रेंज में नहीं रह पाते, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की जो हमने बात करी थी उस साइज रेंज में नहीं है, तो इस पूरे प्रोसेस को जहां हम चार्ज को रिमूव करके एग्रीगेशन में लेकर आ रहे हैं पार्टिकल्स को, इसी को ही हम बोलते हैं कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। सॉल्ट एनालिसिस आपने करी है, आपने प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस देखा है कि कितना क्विकली प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे कि सल्फेट आयन्स में अगर आप बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो क्विकली बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बन के आ जाता है, तो वो सेटलिंग डाउन हो जाती है, राइट। जो बेरियम सल्फेट है वो सेटल डाउन हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। तो अगर हमें कोगुलेशन को डिफाइन करना हो तो हम कोगुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्लॉक्यूलेशन एंड सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, राइट। कोगुलेशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, टू रिमूव द चार्ज। हमें चार्ज को रिमूव करना है, जो स्टेबिलिटी के लिए हमने चार्ज इंट्रोड्यूस किया था, अब उसी चार्ज को हमें रिमूव करना है, टू रिमूव चार्ज फ्रॉम कोलोइडल पार्टिकल। अगर ये चार्ज समहाउ रिमूव हो जाए तो जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो फ्लॉक्युलेट कर जाएंगे या फिर प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। अब हम इस चार्ज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। सपोज अगर पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर हम उसमें नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड कर दें तो व्हाट विल हैपन, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और पॉजिटिव अगर नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा तो व्हाट विल हैपन, म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाएगा। तो जो पहला मेथड है वो है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट्स, और इसकी वजह से म्यूचुअल कोगुलेशन विल अकर, राइट। दूसरा हम मेथड बात करते हैं जो सबसे कॉमन है, और वो है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस अमाउंट। पेप्टाइजेशन में अगर आपको याद हो,
हमने बात करी थी कि हम जब भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो हम बहुत ही कम अमाउंट में ऐड करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से क्या होगा, कोगुलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस अमाउंट, अब अगर हमने एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो वॉट विल हैपन, जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो चार्ज पार्टिकल होंगे। अगर हमने एक्सेस अमाउंट में कोलोइडल पार्टिकल डाला है तो जो उस पर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा, वो अपोजिट चार्ज क्या करेगा, उस कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर देगा, जो हमने ऊपर के प्रोसेस में बात करी थी। और अगर ये न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो वॉट विल हैपन, कोगुलेशन विल आकर। तो एक्सेस अमाउंट में, यहाँ पे हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, कम अमाउंट में नहीं होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करें तो भी कोगुलेशन का प्रोसेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल है, तो हमने स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो इसमें थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड ऐड किया था, तो फेरिक आयंस जाके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गए और एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया। लेकिन अगर हम फेरिक क्लोराइड का अमाउंट या कंसनट्रेशन बढ़ा दें यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में, अगर उसको ऐड करें, तो जो क्लोराइड के आयंस होंगे वो क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इसकी सरफेस पे ये जो आयंस एड्जॉर्ब हुए थे ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और फिर से जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स हैं दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म प्रेसिपिटेट और दे विल गेट फ्लॉक्यूलेट। अब जो आयंस कोलोइडल पार्टिकल की सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन आयंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लॉक्यूलेटिंग आयंस, फ्लॉक्यूलेटिंग आयंस, राइट। जैसे कि ऊपर जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया, इसमें जो क्लोराइड आयंस हैं उनको हम बोलेंगे फ्लॉक्यूलेटिंग आयंस, क्योंकि दे आर ब्रिंगिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। अब हार्डी शुलजे रूल की बात होती है, और ये रूल क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी फ्लॉक्यूलेटिंग आयन की, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही प्रेसिपिटेशन की या फ्लॉक्यूलेशन की टेंडेंसी या पार बढ़ती चली जाएगी। तो एक लाइन में अगर हम इस हार्डी शुलजे रूल को डिफाइन करें तो ये लॉ क्या कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन एडेड, ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, राइट। यानी वो उतना ही जल्दी और तेजी के साथ प्रेसिपिटेशन को कॉज करेगा, एंड दिस इज हार्डी शुलजे रूल। इसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर एक नेगेटिवली चार्ज सॉल है और उसको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है, और उसमें अगर हमने सपोज तीन आयन्स की बात कर रहे हैं, इन तीन आयन्स में से किस आयन को हम ऐड करें जो बहुत अच्छा फ्लॉक्यूलेशन करे, या सबसे अच्छा होगा फ्लॉक्यूलेशन के लिए, या फ्लॉक्यूलेशन के बेसिस पे अगर हम अरेंज करें इस आयंस को, तो आयन क्या कह रहा है, ग्रेटर द वैलेंसी, ग्रेटर विल बी द पावर ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो एल्युमिनियम पे कितनी वैलेंसी दिख रही है, चार्ज कितना दिख रहा है, 3+, बेरियम पे 2+, Na+। तो सबसे अच्छा जो फ्लॉक्यूलेशन करेगा वो एल्युमिनियम का आयन करेगा, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, राइट, या उसकी वैलेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। एल्युमिनियम जो होता है वो ट्राइवेलेंट आयन बनाता है, बेरियम डाइवेलेंट, और सोडियम जो होता है वो मोनोवेलेंट आयन होता है। इसी तरह से अगर हमें कोगुलेशन एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व का करना है या पॉजिटिव सॉल्व का करना है, और उसके लिए अगर हमारे पास तीन आयन्स प्रेजेंट हैं, से क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन, 2- चार्ज होता है, फॉस्फेट आयन PO4 3- चार्ज होता है, या फिर FeCN6 और 4-, फेरोसाइनाइड आयन की बात हो रही है, राइट। तो किस पे सबसे ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, इस पे -1, -2, -3, -4। यानी अगर हम इन आयन्स को उनकी फ्लॉक्यूलेटिंग पार के हिसाब से अरेंज करें, तो सबसे ज़्यादा फ्लॉक्यूलेटिंग पार किसकी होनी चाहिए, जो फेरिक साइनाइड या आयरन साइनाइड है उसकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज उसी पे प्रेजेंट है, और सबसे कम किसकी होगी, क्लोराइड आयन के प्रेजेंट, क्लोराइड आयन की फ्लॉक्यूलेटिंग पावर सबसे कम होगी। तो हार्डी शुलजे रूल की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, कि ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ एन आयन इज स्ट्रॉन्गर इट्स
इज इट्स पावर टू कोगुलेट कोलोइडल सॉल्यूशन। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन दिस रूल। तो ये जो रूल है ये सिर्फ वैलेंसी ऑफ एन आयन की बात करता है लेकिन उसके कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि इस रूल के अंदर हम ये भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द आयन की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हार्डी शुल्टे रूल। अब यही जो हमने डिस्कशन किया है इस पे हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन हाइड्रोक्साइड का अगर हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है और अगर हमें कोगुलेशन करना है, इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट का कोगुलेशन करना है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट होगा। सपोज़ अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl और सोडियम सल्फेट एंड Na3PO4, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेस्ट है। तो हमें हार्डी शुल्टे रूल देखना है उस केस में कि जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए हमें नेगेटिव आयन्स चाहिए। अब यहाँ पे जो नेगेटिव आयन आएंगे इलेक्ट्रोलाइट से वो क्लोराइड आयन्स हैं, सल्फेट आयन्स हैं और फॉस्फेट आयन है। सबसे ज़्यादा वैलेंसी किस पे होगी, फॉस्फेट आयन पे होगी। तो हार्डी शुल्टे रूल के हिसाब से एन आयन विद ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल बी मोर इफेक्टिव टू कोगुलेट पॉजिटिव कोलोइड्स। तो दिस वन यानी कि Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट इज द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट या मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट फॉर द कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।